अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक A1 खैरियत से हैं। उम्मीद है आपको लास्ट वीडियो सिटी बिल्ड करने की पसंद आई होगी। मैं दोबारा से हाज़िर हूँ। थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ पिछले एपिसोड में हमने क्या किया। पिछली एपिसोड में यार हमने इसका जो हमारे पास माइलस्टोन्स मैंने आपको बताए थे उसमें हमने लिटिल हेमलेट अचीव किया, जिसमें हमने अपने सिटी में 440 बंदों को हायर कौन करता है सिटी में यार, उनको अपने सिटी में बसा लिया है। सो फाइनली हम लोग एक स्टेप आगे निकल गए हैं। तो फिलहाल हमने लास्ट एपिसोड में यहीं तक किया। आज का हमारा गोल यह है कि हमने इससे जो नेक्स्ट माइलस्टोन है जो कि वर्दी विलेज का है उसमें है 900 बंदे हमने इस टाउन में इकट्ठे करने हैं। तो हमारा तो पहला टास्क जो इस वीडियो का है वो सीधा सीधा यही है कि यार हमने वर्दी विलेज अचीव करना है आज। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि पिछले लिटिल हेमलेट में हमें एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें मिली हैं जिनको हमने इस आज वाली एपिसोड में यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टैक्सेस मिले हैं, लोन्स मिले हैं, और उसके बाद हमें न्यू सर्विसेज में गार्बेज मिले हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि यार जितने होंगे बंदे उथा पेगा गंद, ठीक है। तो बंदे आ गए हैं तो बंदों की वजह से गंद पड़ेंगे, तो गंद की वजह से उन्होंने हमें एक लैंडफिल साइट दे दी है जिसमें अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपनी साइट में, ताकि हम इसमें अपनी जो लोगों का गंद है उसको समेट सकें। सेकंड चीज़ पे हेल्थ केयर आती है, वही बात है, बंदे होंगे तो बीमार भी पाएंगे, तो बीमार पाएंगे तो उन्होंने हेल्थ केयर की ज़रूरत भी होगी, जिदी वजह तो साढ़े कोल आ गया जी की चीज़ मेडिकल क्लिनिक। एंड फाइनली वी हैव एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए हमारे पास वही फ़िलहाल शुरू में कम आबादी है, तो सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल और कम्युनिटी स्कूल्स हमारे पास अवेलेबल दिए गए हैं, तो इन्हीं सर्विसेज को यूज़ करेंगे। सो लास्ट सर्विस में इसी तरह किया था कि जी हमारे पास 441 बंदे हो गए थे, 440 का हमारा माइलस्टोन था। ये RCI मीटर उसी तरह चल रहे हैं, रोड्स के नाम वगैरह हमने दिए थे वो भी उसी तरह चल रहे हैं। सो सेकंडली अब हमने स्टार्ट करना है उसी चीज़ को दोबारा से आगे लेके जाना है, और देखा जाए तो हमारे पास नीचे हमने बेसिकली फोकस करना है इन्हीं चीज़ों पे, इस RCI मीटर पे ही। RCI मीटर हमें कह रहा है कि जी हमें रेजिडेंशियल डिमांड है, तो हमने डेफिनेटली करना क्या है जी, रेजिडेंसेस बनानी है। तो रेजिडेंसेस के लिए हम वही स्टार्ट लेते हैं, पहले रोड का नेटवर्क बनाते हैं। तो रोड के नेटवर्क के लिए मैं ज़रा इसको आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने यार लोगों के लिए यह करना है कि उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो वो बफर ले लेंगे, हमें मेन चीज़ चाहिए जी क्या, सबसे पहले वाटर की अवेलेबिलिटी। पाइपलाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है लीड, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं जोनिंग। लेकिन जोनिंग से पहले यार हमने यहाँ सेंटर से अपना रोड निकालना है रेजिडेंशियल्स के लिए, तो वो हम निकाल लेते हैं ताकि हम एक प्रॉपर सी शेप में आ जाएं। सो दैट्स डन। वो साथ साथ ये देखें तो साथ साथ उसने लैंड को प्रॉपर रिवाइज भी कर दिया है। स्लोप बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई नहीं, हम इसको चलाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि यार हमने स्कूल और लैंडफिल साइट्स देनी है। लैंडफिल की अभी तक डिमांड आई नहीं है, तो मैं उसको फ़िलहाल रखता हूँ साइड पे ही। तो हम यूं करते हैं सर कि पहले इसको कर देते हैं जोनिंग, ताकि हमारे पास अच्छा मीनवाइल ना हम इसको रन कर देते हैं, प्ले कर देते हैं, ताकि ये हमारे पास साथ साथ इसकी डिमांड वगैरह जो भी हैं वो शो होती रहे। तो 440 से 467 बंदे आ चुके हैं हमारे टाउन में। वाह वेरी गुड। सो वर्दी विलेज की तरफ हमारा सफ़र आहिस्ता 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 रिंग रिंग करते करते जारी है। होपफुली हम इसे पाया तकमील तक लेके जाएंगे। तब तक मैं ऐसा करता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ के लिए थोड़ा सा, अच्छा जी इंडस्ट्रीज से पहले जी इधर आ जाएं, तो ये बंदा कंप्लेन क्या कर रहा है जी कि गार्बेज है स्पाइल, तो वही मसले आ गए। हमने सबसे पहले अपने लिए लैंडफिल साइट को बनाना है, और इधर मैं डाल देता हूँ लैंडफिल साइट, ताकि हमारे पास इसको इस रोड पे डालते हैं लैंडफिल वाला मसला हो जाए ख़त्म।
अब जो ही हमने लैंडफिल वाला मसला ओपन किया और खोला लैंडफिल डाली तो ये देखें जी, ये हमारे पास ट्रकों के ट्रक निकल रहे हैं यहाँ से जी। ये जी गार्बेज ट्रक है, इसको अगर हम फॉलो करें तो ये जा रहा है क्या गार्बेज कलेक्ट करना। तो इसे कलेक्ट करने देते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 6 ट्रक्स इन यूज़ हैं, 0% ये फुल है, 60 ट्रक निकाल लिए हैं इन्होंने यूज़ करने के लिए लैंडफिल से, मतलब गन वगैरह उठाने के लिए। अच्छा जी, इनके पास फिर मसला है जी, ये कहते हैं जी सीवेज इज़ बैकिंग अप। वाओ, व्हाई सीवेज इज़ बैकिंग अप? और इलेक्ट्रिकल का भी मसला है, इलेक्ट्रिकल का देखा जाए तो अच्छा तो हमने लास्ट टाइम बजट को डाउन किया था, तो हम बजट को थोड़ा सा बढ़ा के 50% से हम ले आते हैं इसको 70% तक, तो हमारे पास से बिजली का मसला हो जाएगा ख़त्म। बिजली का मसला गया, ला 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 जा ना बाबा जी, बाबा जी हेल। अच्छा, बिजली का मसला गया तो चूँकि पंपों को हमारे जा नहीं रही थी बिजली, तो पंप चल नहीं रहे थे। अब चूँकि बिजली हमारी होगी बहाल, पंप भी बहाल, सॉरी यार पंप भी बहाल, सब कुछ बहाल, तो दैट मीन्स कि हम वी आर गुड टू गो। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जी हमारे पास थोड़ी सी कमर्शियल की डिमांड आ रही है, तो मैं चाहता हूँ जी थोड़ा कमर्शियल दे देते हैं, और कमर्शियल हम सारे का सारा नहीं देते हैं, हम चाहते हैं जी कि इसके फ्रंट में ही हम 4 ब्लॉक्स देते हैं जी उनको कमर्शियल वालों को, कि यार आप 4 पे करें कंस्ट्रक्शन, पिछले 4 को हम देते हैं रेजिडेंशियल के लिए, ताकि हमारे मामलात चलते रहें। और सेम चीज़ को मैं रेप्लिकेट करता हूँ उस साइड पे, ताकि हमारे पास जो डिमांड है वो डिमांड होती जाए कवर, और हमारे पास इश्यूज भी ना आए। और इस थोड़ी सी जो जगह मैं साइड पे छोड़ रहा हूँ, आप भी कह रहे होंगे कि यार पागल है, इतनी बड़ी जगह इसके सामने बची हुई है साइड पे, इधर ये कुछ नहीं कर रहा। इधर मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इधर हमने डालने हैं स्कूल। अगर हम स्कूल देखें तो यार स्कूल में सबसे पहले यह है जी एलिमेंट्री स्कूल, और यह है $10,000 का, तो हमारे पास है $27,000, तो हम इनको करवा सकते हैं, एजुकेट करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक स्कूल लगा देते हैं इधर, अभी तक तो उन्होंने एजुकेशन की डिमांड की नहीं। अच्छा, इसको मैं देता हूँ मेन रोड पे, मेन रोड पे देने का मसला ये होता है कि जी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मेन रोड पे देना थोड़ा सा ख़तरा हो जाएगा, तो हम इसको देते हैं मेन रोड से हट के ही थोड़ा साइड पर। इसका मतलब ये है कि वाह, सारे लोग हो गए हैप्पी। सो हमें कम्युनिटी स्कूल में, अच्छा इधर मैंने आपको ये नहीं बताया, कम्युनिटी स्कूल ये भी एक सेफ और स्मॉल कम्युनिटी स्कूल है, अलाउस चिल्ड्रन टू गेट एजुकेशन एंड ग्रो इनटू एजुकेटेड एडल्ट्स, और एलिमेंट्री में आ जाएं तो ये कहता है कि जी प्लेसिंग वन मेक्स नेबरहुड मोर अट्रैक्टिव, ठीक है, ये भी चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए होता है, और एजुकेशन इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग टू लेवल अप। सो इसमें स्टूडेंट की कैपेसिटी 300 है, उसमें स्टूडेंट की कैपेसिटी 250 है, तो शुरू में हम जाते हैं इसी से। अगर हम इसको फॉलो अप करें तो 186 स्टूडेंट्स आर करंटली इनरोल्ड इन आवर एलिमेंट्री स्कूल, सो ये बड़े फिट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि जी एक और ब्लॉक को लेके आते हैं पीछे। फिलहाल इसको रखते हैं जी ऑल द वे रेजिडेंशियल, तो हम सीधा जाते हैं जी ज़ोनिंग पे। अच्छा, ज़ोनिंग से पहले हमने इनको देना है पानी, तो पानी के लिए हम इसको यहाँ से ही पीछे रिवर्स में ले आते हैं सीधा रोड्स के नीचे, उससे ये होगा कि हमारा यहाँ पे पानी भी आ गया, अब लोगों को ग्रो करने के लिए मसले मसायल नहीं होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये ऑल द वे हो जाएं जी, क्या घरों में ही तकसीम हो जाएं। बट ओ वर्दी विलेज, माशाल्लाह वेरी सून वी गेट द वर्दी विलेज, क्या बात है। अच्छा, वर्दी विलेज हो गया, अब इस चीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं जी, कि हमें इमरजेंसी सर्विसेज मिल गई हैं, फायर गली और पुलिस का डिपार्टमेंट मिल गया है, क्योंकि अब बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो यूनिक बिल्डिंग्स भी मिल गई हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिसीज़ हमारे पास एक और लोन की ऑप्शन आ चुकी है, तो आज वाला तो बड़ा जल्दी हो गया है, क्या बात है जी, ये तो बहुत मज़े भी। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंट बिल्डिंग्स आ गई हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक पावर यूजर्स के लिए हमारे पास पॉलिसीज, और न्यू बिल्डिंग्स में हमारे पास फायर हाउस आया है और पुलिस स्टेशन आई है, जिनको अब हम यूज़ करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिए। नेक्स्ट वीडियो को मैं आपको बताता हूँ, पहले से हम देते हैं आपको क्या एक छोटा सा सिटी टूर।
हाँ तो जनाब ये था हमारा सिटी टूर। अच्छा इसको सबसे पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ ताकि हमारे नेक्स्ट मिशन को ना वो ना कर दे, लेकिन ऑलरेडी इसने देखें अफेक्ट कर दिया है। 1024 तो हम पहले से ही बढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट चैलेंज को ना हम थोड़ा सा इन्हेंस कर देंगे। नो वरीज, नो टेंशन, टेंशन कोई नहीं है। नेक्स्ट में हमने करना है जी क्या, टाइनी टाउन करना है, और टाइनी टाउन के लिए हमें 1400 चाहिए होंगे। हम 1024 पहले ही कर चुके हैं, लेकिन हम इसमें टाइनी टाउन के साथ साथ एक पार्क एरिया भी डिफाइन करेंगे जो कि टाइनी टाउन के बाद का एक फीचर है। तो नेक्स्ट वीडियो में यह बनेगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जुड़े रहिएगा, ये एपिसोड 2 है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आती रहेंगी। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।